ये ऐसे क्या कर रहे थे? ये देखिए अभी ये चकली ये हो गई, अभी सिर्फ एप्रन बांध रहा है उसको। अभी ये लड़की खड़ी थी, मैंने यहाँ पे बाइक लगाया, यहाँ पे देखा यहाँ से गायब, और अब मैं पूरी तरफ देख रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं दिख रही है, भगवान फिर गायब हो गई यार। फैमिली अनकट। तो ये है हमारा दिवाली व्लॉग। यूजुअली दिवाली व्लॉग में सब साफ सफाई करते हैं, बट ये देखो मायरा ने क्या किया, इसको आधा घंटा पहले यहाँ छोड़ा था, उसने पूरा क्या कर दिया, ये भगवान सुभान अल्लाह क्या कारीगरी है। हे, और ये मम्मी क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हो? ये उठ ही नहीं रहा अम्मा। ये उठ नहीं रहा मतलब उठ तो गया, तो दो घंटे से जब यहाँ पे बैठा था तो उठा के सिंक पे नहीं रख सकता। मम्मा आप ना मेरे साथ ज्यादा रहते मत जाया करो, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक होते जा रहा है रोस्टिंग का। मतलब क्या वॉर पे? मतलब अरे हाँ, मायरा का बाल काटना मतलब वॉर है। पिछले बार हमको पता है कि क्या हुआ था जब हम बाल काटने गए थे। तो चले फिर मम्मा, चलो अब भगवान का नाम लेते और चलते। तो फाइनली हम मायरा को लेके आ गए हैं बाल कटाने, और आज का दिन रहने वाला है बहुत बड़ा डेंजरस टीडियस एकदम। बट मुझे भविष्य दिख रहा है तो मुझे मालूम है क्या होने वाला, तो 5 मिनट रुक जाते हैं। चलो मायरा लेट्स। हाँ क्या चाहिए? ये ले ब्रश ले, दाढ़ी कर। अभी से ना वो पार्लर का सारा सामान खुद ही मांग के। अभी से करना है पार्लर। शो ब्यूटीफुल। चलो 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 चलो। अभी सिर्फ एप्रन बांध रहा है उसको। मैं बोल रहा तुझे मुझे भविष्य दिख रहा है। दे 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 उसको। हमने फाइनल हमारा ब्रह्मास्त्र दे दिया। ले ले। ले अभी। हे भगवान। अभी तू का। आप आप। अभी ले। ले ले। उसके हाथ में दे दे। उसके हाथ में दे। हाँ ले मारे ले लॉलीपॉप ले। वाह। ये यम्मी यम्मी। ये हाथ से खाना है। हाँ। खुद के हाथ से खाना है उसको। हाँ ये हुआ। ये देखो इसके बाल कटा के हम आ गए हैं। और मायरू क्या किया तूने बता दे वहाँ पे। हाँ तूने पूरे उसने क्या किया मम्मा वहाँ जाके पूरे सलून को हिला दिया कि हम शूट भी नहीं कर पाए। राइट मैं दुनिया हिला दूंगा। ये देखो ये क्या ये क्या बाल काट के तेरे को पता क्या हुआ एक बार अक्षता मैं छोटा था तो हम लोग बाल काटने गए थे तो मम्मी ने 40 रुपए दिए और बोला बाल काटने का कितना तो उसने बोला 35 रुपए मतलब 35 रुपीज हुआ बाल काटने का तो उसने बोला मैडम 5 रुपए का छुट्टा नहीं तो क्या करूँ तो मम्मी ने क्या बोला पता क्या 5 रुपए के उमेश के और बाल काट दो। ये तो मम्मी मैं उस दिन बाल कटाने गया था ये बचपन की बात है बट अब मैं बताता हूँ मैं बाल कैसे कटाता हूँ। अब मैं बाल कटाने जाता हूँ तो ना ही मेरे को पूछता है कितने बाल कटाओ तो मैं बोलता हूँ उतने काट जब तक झगड़े में मेरी बीवी मेरे बाल ना पकड़ सके। तेरे को बड़ा मजा आ रहा है वहां पे तो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। ये निकल गया। तो अब हम बनाने वाले हैं चकली। हम नहीं बनाने वाले तू बनाने वाला है। यस मैं बनाने वाला हूँ चकली क्योंकि तू है चकली। हेलो सुनना मैं टकली नहीं हूँ मैं पतली हूँ। पतली पतली लाइक काजू कतली। मेरी माँ और मेरी बीवी को लगता है मैं चकली नहीं बना सकता। मैं उनको राइट ग्रुप रॉन्ग ग्रुप ठीक है तो चकली बनाएगा देखते तेरा टैलेंट। ये क्या ये क्या ट्रायल था। गौर से देखो दोस्तों गौर से देखो ये गिर रहा है आटा गिर रहा है चकली का नीचे। उमेश का पोज देखो। वाह अब तक तो सही जा रही है अब तक तो सही जा रही है उमेश। गुड वेरी गुड। इसको हम फ्राई तेल में फ्राई करते हैं। अरे वो उठता है ना बड़ा 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 करके। अगर अगर ऐसा है ना तो ये ऐसे भी डाल सकता है। दूसरा तरीका ही है।
चम्मच से सीधा डाल दो। तो हमारी सारी चटनी बन के रेडी हो गई और मम्मी मैंने अक्षता के लिए बनाया है हॉट वाली चटनी। अच्छा मैंने तेरे एक पोएम बनाई है बोलू। उमेश यू आर सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल बट यू आर ईटिंग जस्ट लाइक अ काउ। ईटिंग लाइक अ काउ यस। तुम भाड़ में जाओ। Later that same evening. तो अभी हो गई है शाम और शाम को हम आ रखे शॉपिंग करने। ये देखिए यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार। तो अभी हमारी अक्षता जी शॉपिंग कर रही है और अब मुझे भी यहाँ पे ना ये चीज़ें बहुत सही लगा है, स्पेशली ये वाला है, ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये ऐसे और 6-7 ले लूँ। तो वाह ये कंदील तो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। और अक्षता इतने छोटे कंदील लेके इतनी खुश हो रही है। तो हम औरतें ना हर छोटी छोटी चीजों में ना बहुत खुश हो जाती है। हाँ क्योंकि तुम्हारी बीबियाँ नहीं होती ना। तुम्हारी बीबियाँ होती ना तो तुम नहीं खुश होती कभी चीजों से। आंटी देख रही है हंस भी रही है। ये ले लेते हैं। ये अक्षता की ना खासियत है शॉपिंग में। अभी ये लड़की गाड़ी थी मैंने यहाँ पे बाइक लगाया यहाँ पे देखा यहाँ से गायब और मैं पूरी तरह देख रहा हूँ मुझे कहीं नहीं दिख रही है। भगवान फिर गायब हो गई यार ये। तो अभी हमें हमारी सब्सक्राइबर मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? कनिष्का। कनिष्का अच्छा कनिष्का तुम बहुत राइट टाइम पे मिले हो क्योंकि अक्षता बोल रही है कि वो स्टार लेने का और मैं बोल रहा हूँ वो दिया लेना है। तो तुझे क्या लगता है क्या लेना चाहिए दोनों में से? दिवाली है तो दिया लेना चाहिए ठीक है। कनिष्का मेरी जैसी स्मार्ट लड़की है। ओके अच्छा तो स्मार्ट है। ये देख अक्षता लाइट में भी दिया है बट तूने ही मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं दिया है बर्थडे का। One hour later. ये देखो ये महारानी यहाँ बैठ के ये देखो क्या डांस कर रही है। और मम्मा हम पूरा सामान ला चुके हैं डेकोरेशन का। अक्षता मम्मी कितनी अच्छी है। मम्मी ने बोला अगर हम डेकोरेशन करेंगे तो मम्मी हमको आईफोन देगी। ये मैंने कब बोला? 2 लाख का आईफोन। ये मैंने नहीं बोला। मम्मा अगर आप मुझे आईफोन नहीं दोगे ना तो मैं खुद को बेच के आईफोन ले लूंगा। अपने आप को बेचेगा ना 1 रुपए में बिकेगा। मायरा क्या बोल रही दादी? हे भगवान मायरा पापा को फोन देने का रेखा। चलो जाओ अभी डेकोरेशन चालू करो। यस अभी यही रह गया लाइफ में। ये वो भी खुश हो गई। तो लक्ष्मी पूजन के लिए हम सब रेडी हो चुके हैं और उसके पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। उमेश और मायरा का देखो पीछे क्या चल रहा है। मायरा तो मायरा और मेरी मस्ती तो खत्म हो गई है बट बाप रे ये देखो दोनों को क्या ब्यूटीफुल दिख रही है। वैसे मेरी मम्मी और अक्षता कहाँ गई? वो कहाँ है? ये तो कोई खूबसूरत औरतें खड़ी है यहाँ पे। अच्छा तू कितनी भी तारीफ कर ले पर अंदर जो तेरा साफ सफाई का काम बचा हुआ है ना वो तुझे ही कंप्लीट। अरे यार अरे मम्मी साफ सफाई का काम ना अक्षता को देने का। आपको पता है मेरा वॉलेट कोने कोने से साफ करती है वो। एक एक रुपया निकाल लेती है। वो वॉलेट तो छोड़ो तिजोरी से भी अब पैसे निकालने लग गई है। बात तो सही है। लक्ष्मी पूजन है गोल्ड चाहिए। अरे यार रुको एक सेकंड रुको मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ गोल्ड। हाँ रुको लेके आता हूँ रुको ये देखो ये लो गोल्ड तुम्हारे लिए। बिस्किट नहीं है ये देखो क्या है मारी गोल्ड। तूने गोल्ड लाने बोला तूने बोला क्या कुछ क्या चाहिए? गोल्ड लाने बोला मारी गोल्ड लाने नहीं बोला। गोल्ड तो गोल्ड हो जाए। सोने की चीज चाहिए। अच्छा तुझे सोने की चीज चाहिए ये ले एक काम कर ये ले ये तकिया ले ले और सोने के काम आता है ये। सोना चाहिए।
सॉरी अब मैं बार मैं और नहीं सुन सकता, मैंने बहुत सुन लिया बस अभी. A few moments later. हमारी लक्ष्मी पूजा तो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जाते हैं मम्मी फटाके फोड़ने को. Yes, मायरा फटाके फोड़ने चले. हम आ गए हैं नीचे फटाके फोड़ने और हमारे साथ है कि मैं हम मायरा की फ्रेंड एन हर्षिता. ओके अभी हम फोड़ने जा रहे हैं बहुत ही बड़ा वाला आना. मैंने सुना है बहुत ऊपर तक जाता है तो अभी जाके देखते हैं. हाँ धुआं दिख रहा है वहां तक. बाप रे बहुत ज्यादा है ना. सेकंड फ्लोर तक सेकंड फ्लोर पे गया. थर्ड फ्लोर ऑलमोस्ट टच करके गया था. इतना बड़ा था. ओ माय गॉड. हुआ था नीचे बहुत जोर जोर से पटाखे बज रहे थे तो हम घर पे आ गए और मायरू आजा. और फिर भाग गए और डर के मारे पटाखे की आवाज से डर के भाग गए. मम्मी बिचारी घर पे क्योंकि मायरा मम्मा को लेके आ गई थी. ये देखो मायरा को एक फोटो खिंचाने के लिए मम्मी क्या कर रहे हैं. मम्मी करो जरा. मैं हंस रही हूं. हां करके हंस रहे. एक फोटो दे दे यार. ये देखो इसको देखो क्या दहीहंडी खेलना है इसको. हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हो चुका है. हमारा भी नहीं अक्षदा मैं रात को भगवान के सामने हाथ जोड़ के सोता हूँ तो मुझे भूतों के सपने नहीं आते. हैप्पी दिवाली. बाय. हैप्पी दिवाली. बाय 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 बाय.